हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपने हॉटस्पॉट को सील करने वाली रिपोर्ट देखी है ना, बात अब मुंबई की करते हैं। मुंबई की पहचान है रफ्तार, कभी ना रुकने वाली, कभी ना थकने, कभी ना थमने वाली। वहां कोरोना के मामले भी इस रफ्तार से ही बढ़ रहे हैं। क्या ज्यादा टेस्टिंग के कारण मुंबई से इतने मामले सामने आ रहे हैं? मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पुलिस ने मुस्तैदी और ज्यादा बढ़ा दी है। मुंबई में घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। अगर चेहरे पर मास्क नहीं रहा तो हाथों में हथकड़ी लग जाएगी। इसी नियम का पालन करवाने के लिए पुलिस ने मुहिम तेज कर दी है। लोग अब आपको सड़कों पर जो दिखाई देंगे, सबने तकरीबन अब मास्क पहना हुआ है, मुंह पर सबके मास्क है, मास्क नहीं है तो रुमाल से मुंह को ढका हुआ है। तो अब दिखाते हैं कि किस तरीके से पुलिस अब इस चीज को इम्प्लीमेंट करा रही है। आप सड़क पर देखिए जरा, पुलिस बल आज पूरी मुस्तैदी से सड़क पर है। अब पुलिस बल सड़क पर है, जो भी निकल रहा है रोक रहे हैं, पूछ रहे हैं और मास्क नहीं पहने। देखिए अभी जो व्यक्ति आया है उसने मास्क नहीं पहना है तो अब उसे भी रोक रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बुधवार को 117 नए मामले सामने आए। सिर्फ मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 700 के पार पहुंच चुकी है। मुंबई के भीतर 381 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। मुंबई के सबसे पुराने इलाकों में से एक वर्ली के कोलीवाड़ा यानी मछुआरों की बस्ती को भी पुलिस ने पूरी तरह सील कर दिया है, क्योंकि कोरोना के कई मामले यहां पर निकल के आए हैं तो इसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पुलिस की उस बैरिकेटिंग को देखिए, लोगों को कहा जा रहा है कि बैरिकेटिंग के उस पार ही रहिए जब तक बेहद जरूरी ना हो। लोगों को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, कोई जरूरत का सामान है तो अंदर पहुंचाया जा रहा है। पुलिस बल यहां पर मौजूद है। उस बैरिकेटिंग के बाद एक और बैरिकेटिंग की गई है यहां पर। इस दूसरी बैरिकेटिंग के बाद आप देखेंगे पुलिस बल वहां पर लोग बैठे हुए हैं। एक डायरी है, जो भी बाहर निकल रहा है उसकी लिखा पढ़ी हो रही है। मुंबई में अस्पतालों के लगातार बंद होने से कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर भी असर पड़ा है। कोरोना मरीज मिलने के बाद बंद होने वाला भाटिया अस्पताल मुंबई का चौथा अस्पताल बन गया है। इस भाटिया अस्पताल को आप देखेंगे कि मुंबई महानगर पालिका ने सील कर दिया है, इसे कंटेनमेंट जोन बना दिया है। दरअसल यहाँ पर 3 ऐसे मरीज भर्ती किए गए थे जो कि किसी और बीमारी के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन जब उनमें सिम्टम्स देखे गए और उनकी जांच कराई गई तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद में इस अस्पताल में काम करने वाले जो तमाम कर्मचारी हैं, डॉक्टर, नर्सेस और बाकी के सिक्योरिटी गार्ड्स, उन सबकी का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। तो इस लिहाज से इस अस्पताल को सील करना जरूरी समझा गया। इससे पहले इसी तरह वॉकहार्ड और स्पंदन अस्पताल को भी बंद किया जा चुका है। एक तरफ तो मुंबई में डॉक्टर और नर्स कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, वहीं अब उनसे बदसलूकी की बातें भी सामने आने लगी हैं। भाटिया अस्पताल की नर्सों का आरोप है कि अस्पताल सील होने के बाद उन्हें सोसाइटी के लोग परेशान कर रहे हैं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हो रही है, इसलिए वहां सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। टेस्टिंग की रफ्तार और तेज करने के लिए बीएमसी दक्षिण कोरिया से 1,00,000 रैपिड टेस्ट किट मंगवा रही है। इन लोगों को देखिए, ये कोई डॉक्टर नहीं है, कोई सर्जन नहीं है, ये वो बीएमसी के कर्मचारी हैं जो शहर को साफ सुथरा रखने में, शहर को स्वस्थ बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। पूरी तरीके से वेल ड्रेस्ड है, ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे पीपीई किट पहन रखी है। पैर में देखिए आप जो सैंडल पहना है, सैंडल में भी प्लास्टिक पहनी हुई है। अब उसके बाद एक पूरी ड्रेस है। साहब लोग ने दिया हम लोग को सेफ्टी वगैरह करने के लिए, तो अभी तो ठीक है। बस ये पहनने के बाद थोड़ा सा कोई चुनौती, कुछ मुश्किल लग रहा है क्या काम करने में? नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है। टेस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ बीएमसी अब कूड़ा कचरा उठाने वाले सफाई कर्मचारियों को भी पीपीई किट दे रही है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुंबई के वर्ली में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया के इंडोर स्टेडियम को 500 बेड के क्वारंटीन सेंटर में बदल दिया गया है। एक तरफ तो कोरोना की लड़ाई में सकारात्मक कोशिश दिखती है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई की सब्जी मंडियां बेफिक्री का अड्डा नजर आती है।
मुंबई के भाईखला से लेकर कल्याण के एपीएमसी मार्केट तक में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। कल्याण में भीड़ से परेशान होकर खुद कारोबारियों ने मंडी बंद करने की मांग की है। आपको बता दें कि कल्याण में 40 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। मुंबई के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित शहर पुणे की एपीएमसी मार्केट को भी कल से बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने मुंबई समेत सभी बड़े शहरों पर और ज्यादा ध्यान देने की मांग की है। संजय राउत का कहना है कि बड़े शहर में कोरोना के मामले जितने बढ़ेंगे अर्थव्यवस्था पर उतनी ही बड़ी चोट पड़ेगी। देश की आर्थिक राजधानी है, पूरे देश से लोग यहाँ रोजी रोटी की लाकर बैठे हैं, कॉरपोरेट से लेकर मजदूरी तक है, तो मुंबई को आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर मुंबई जैसे शहर कोलैप्स हो गए इस लड़ाई में तो देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुंबई में कोरोना वायरस का विस्फोट चिंता का कारण बन गया है। ऐसे में मुंबई में लॉकडाउन के पालन के लिए और सख्ती से कदम उठाए जाने की जरूरत है।